नमस्कार, मैं हूं मयूरी श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। वक्त हो गया है 5 मिनट में 25 बड़ी खबरों का। नोबेल कमेटी के डिप्टी लीडर ने भारत को सराहा, बोले पीएम मोदी पुरस्कार के मजबूत दावेदार। जासूसी मामले में सीबीआई ने मनीष सिसोदिया के खिलाफ दर्ज किया एफआईआर, में अन्य 5 लोगों के नाम भी शामिल। पच्चीस मार्च को सीबीआई के सामने तेजस्वी को होना होगा पेश, एजेंसी ने कोर्ट में कहा नहीं करेंगे गिरफ्तार। अधीर रंजन ने केंद्र सरकार पर बोला हमला, कहा राहुल गांधी का सिर झुकाने की हिम्मत सरकार में नहीं। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा दावा, कहा 3 साल में पंजाब को पार कर जाएगी असम की जीडीपी। महुआ मोइत्रा ने लोकसभा स्पीकर पर लगाया आरोप, बोली हमें सदन में बोलने नहीं दिया जा रहा। अमृता फडणवीस ने फीमेल डिजाइनर के खिलाफ दर्ज कराई एफआईआर, बोली उसने मुझे 1 करोड़ रुपए रिश्वत देने की पेशकश की थी। उद्धव ठाकरे गुट के विधायक राजन सालवी के परिवार को एसीबी का नोटिस, 20 मार्च को पूछताछ के लिए बुलाया। राहुल के आरोपों पर रविशंकर प्रसाद का पलटवार, बोले कब तक देश की जनता को गुमराह करते रहेंगे। कर्नाटक विधानसभा चुनाव से पहले बोमई सरकार का बिजली और परिवहन कर्मियों को तोहफा, सरकार ने कर्मियों का बढ़ाया वेतन। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार पर किया वार, बोली भारत की हालत पाकिस्तान जैसी, वहां इमरान पर गिरफ्तारी का खतरा। बाल विवाह को लेकर असम के सीएम हेमंत बिस्वा शर्मा का बड़ा बयान, बोले अपराधियों का रोना रोने वालों को 11 साल में गर्भवती हो रही बच्चियों की फिक्र नहीं। विपक्षी पार्टियों ने की जम्मू कश्मीर को राज्य बनाने की मांग, इलेक्शन कमीशन से जल्द चुनाव कराने को कहा, मई में श्रीनगर जाएंगे विपक्षी नेता। विधानसभा चुनाव से पहले एचडी कुमार स्वामी का बयान, बोले किसी को नहीं मिलेगा बहुमत, सिर्फ 70-80 सीटों पर फोकस कर रही पार्टी। सीपीआई नेता गोविंदन ने स्वप्ना को भेजा लीगल नोटिस, नोटिस में गोविंदन ने उनसे बिना शर्त माफी मांगने और 1 करोड़ रुपए का मुआवजा की मांग की। यूपी निकाय चुनाव के लिए बीजेपी का बड़ा दाव, मंत्री नरेंद्र कश्यप ने बताया पूरा प्लान। अखिलेश के शूद्र वाले बयान पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद का पलटवार, बोले लगातार चुनाव हारने से स्वास्थ्य खराब हो गया है। कानपुर के भाजपा नेता गुरविंदर छाबड़ा उर्फ विक्की और उनकी पत्नी ने खाया जहर, दोनों का रेजिडेंसी हॉस्पिटल में चल रहा इलाज। कानपुर में मंत्री नंदी ने पकड़ी दवाओं की धांधली, हैलेट अस्पताल में दवाओं का रिकॉर्ड मिला, गायब तीमारदारों से बाहर से मंगाई जा रही थी दवाई। दिल्ली में एक दूजे के हुए स्वरा और फहद खान, शादी में पहुंचे राहुल गांधी और सीएम केजरीवाल, 29 मार्च को बरेली में दावतें वाली मांग। सहारनपुर में पूर्व एमएलसी महमूद अली की न्यायिक रिमांड मंजूर, दिल्ली की युवती ने पूर्व एमएलसी पर दर्ज कराया था गैंगरेप का केस। मेरठ में पत्नी और बेटी के हत्यारे पिता का कबूलनामा आया सामने, 12 साल छोटी टीचर से शादी करना चाहता था हत्यारा पिता, 2 और बेटियों के मर्डर की रची थी साजिश। मेरठ में 2.5 करोड़ के विवाद में पार्टनर ने प्रॉपर्टी डीलर को मारी गोली, प्रॉपर्टी डीलर को गंभीर हालत में हायर सेंटर किया गया रेफर। मऊ में 3 शातिर अपराधियों को किया गया जिला बदर, अपराधियों के मोहल्ले में जाकर पुलिस ने बजाया मुनादी और डुब्बू
उन्नाव में आकाशीय बिजली गिरने से युवक की हुई मौत, तेज हवाओं के साथ हुई हल्की बूंदाबांदी। पांच मिनट की 25 बड़ी खबरों में इतना ही, आगे आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक ले देखते रहिए प्राइम टीवी। नमस्कार। कुछ भाव पुष्प, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।